अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सैटरडे है, दिन है आज 20 जनवरी, और कोई ख़ास काम नहीं है, छुट्टी का दिन है, ऑफिस से भी छुट्टी है। और मेरा एक दोस्त है, उसका भी मैसेज आया, वो जा रहा है उमरे पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको एक हैंड कैरी बैग चाहिए जिसमें वो अपना छोटा मोटा सामान रख ले, अहराम वगैरह ये वो। तो उसने मेरे से पूछा अगर कोई बैग अवेलेबल है तो बता दो। तो एक बैग है छोटा सा मेरे पास, तो वो मैं सोच रहा हूँ उसको दे दूँ ताकि उसके भी काम आ जाएगा और मेरा भी थोड़ा सा काम हो जाएगा। वापसी पे खजूरें शजूरें और पानी तो लाना ही होगा उसने मेरे लिए, तो वो उसी बैग में डाल के मुझे दे देगा होपफुली। तो अभी मैं वो बैग ढूंढता हूँ जाके, तो फिर जाएंगे उससे मिलेंगे, आपसे भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसको और सामान देते हैं उसे। बस यही सीन है आज का, और तो कुछ ख़ास नहीं है। तो मैं जाता हूँ, वो बैग ढूंढता हूँ और फिर निकलते हैं। बैग तो नहीं मिल रहे, अम्मी से पूछना पड़ेगा। तो भाई साहब, अम्मी से थोड़ी डांट खाने के बाद बैग मैंने ढूंढ लिया है। इसके अंदर एक और बैग है जो कि ये है, तो इसमें वो अपना कोई टूथब्रश वगैरह ये चीज़ें रख सकता है, और इसमें आई थिंक अहराम वगैरह और छोटा मोटा सामान तो आ ही जाएगा। लेट्स होप ही लाइक इट और उसके कुछ काम आ जाए। तो बस मैं ये लेके अब निकलता हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है लाहौर में आजकल, अगर आप लाहौर से हैं तो आपको पता ही होगा। तो कोई जैकेट शैकेट पहनते हैं, कवर होते हैं पूरा, और फिर निकलते हैं हारिस से मिलने के लिए। तो भाई मैं तो हो गया हूँ तैयार। हारिस को मैसेज किया है कि कितनी देर में आना है, उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। उसको कॉल करता हूँ और फिर निकलता हूँ उसके। एज यूजुअल, हमेशा की तरह दोस्ती अल्लाह ने ऐसे दिए जो कभी टाइम पे नहीं आते। मैं तो पहुंच गया हूँ, हारिस साहब अभी तक नहीं आए, तो अभी दोबारा से उसको कॉल करता हूँ और पूछता हूँ किधर है। वो आ जाता है तो उसको देते हैं ये सामान और एक दो गेम खेलते हैं उसके साथ, और मेरे से बहुत अच्छा प्लेयर है वो, देखते हैं क्या बनता है। आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ मैं, जब तक ये स्नूकर क्लब के एक दो शॉट्स देख लें आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? भाई जान दोस्त आ गया हमारा, बैग ये ठीक है। गेम लगानी है, जल्दी तो नहीं है ना? नहीं आ जाओ, चलें जी। गेम लगने लगनी है, लगने लगी है, और स्कोर बताता हूँ मैं गेम के बाद। उम्मीद तो है कि यही जीतेगा, पहले मैंने बताया कि मेरे से अच्छा प्लेयर, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। पहला फ्रेम है और लेवल पे देखो भाईजान, देखो बहुत बड़ा प्लेयर है, लाहौर का जट ट्रंप कहते हैं इसको। अपनी स्टिक निकाल लेंगे, एक ही स्टिक है ठीक है। स्टिक आने लगी है और फिर हम 15 बॉल शुरू करने लगे हैं, और फिर पहले फ्रेम के बाद मैं बताता हूँ कि क्या रिजल्ट हुआ। पहला फ्रेम ख़त्म हो गया, बहुत बुरी तरह मैं हार चुका हूँ, लेकिन ये खुद ही इसने गेम के दौरान बोला है, किधर गया किधर, कि बहुत ज़्यादा फ्लूक लगे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा पॉइंट थे, 30-40 पॉइंट हो गए थे इसके, और अभी एक दो कलर्स पड़े हुए थे टेबल पे। तो कोई बात नहीं, पहला फ्रेम था हार गए, दूसरे में इसको पकड़ते हैं, दूसरे फ्रेम के बाद बताता हूँ क्या स्कोर है। फ्रेम टू जस्ट एंडेड। हाँ भाई, क्या बना है फ्रेम टू में? बहुत क्लोज मुकाबले के बाद, बहुत ही क्लोज, ब्लैक पे आके जीता है, पिंक पे जीत गया। बड़ी फाइट की है मैंने, लेकिन इट्स 2-0। तो अब फाइनल फ्रेम खेलते हैं
होपफुली 2-1 हो जाएगा, तो बताता हूँ तीसरे फ्रेम में बताता हूँ। हाँ जी भाई साहब, देख नहीं रहे अभी कैमरे में यार। वेल प्लेड वलीद, थैंक यू सो मच। बात यह है कि फ्लूक तुमने डाला पिंक, ठीक है मानते हैं मानते हैं। पिंक बहुत ही कमाल बाला, हम कहते हैं बाला इंग्लिश में फ्लूक। पिंक का बहुत ही कमाल फ्लूक लगा और ब्लैक ऐसे प्लेस हो के आई है कि क्या ही बात है। ऐसे प्लेस दिया जैसे हाथ से उठा के बॉल ला के रख दिया कि यार मुझे इधर चाहिए बॉल। बहरहाल दो फ्रेम ये जीत गया था, पहले तीसरा फ्रेम मैं जीता हूँ। अभी हम पैसे देंगे और फिर निकलेंगे और जाएंगे घर। बैग उठा ली यार। हाँ जी पेमेंट में घर आया हूँ और हारिस भाई उम्रे में जाके दुआ करनी है फुल अच्छी। इंशाल्लाह यार जरूर जा रहे। कब है? मैं कल इंशाल्लाह रात को फ्लाइट है 11 बजे। और वापसी 5 को। इनको तो बताने का फ़ायदा नहीं है कि हारिस कब जा रहा हो कब आ रहा है। तो बैग मैंने तो इस वजह से भी लिया है कि उसमें खजूरें और पानी आबे दमदम जो है वापसी डल के मिला। ठीक हो गया फुल और अगर कुछ और लाना चाहो तो मोस्ट वेलकम। ये लाइट चली गई है क्लब की, तो हम भी बस निकलते हैं यहाँ से और मैं फिर आपसे घर पहुँच के मिलता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें शेयर करें, मेरी इतना अच्छा काम करें। अल्लाह हाफिज़। ब्रो तुम फ़ोन तो उठा नहीं रहे, तो ये देखो ये है हैंड कैरी, ठीक है। अच्छी खासी इसमें स्पेस है, इसमें स्ट्रैप भी दिया है, अगर तुमने वो कंधे पे टांगना हुआ ना तो वो भी कर सकते हो। इसमें ये भी छोटी सी जगह है, इसके अंदर इसमें तुम अपना एहराम वगैरह और टॉवल वगैरह और फिर अपनी टी शर्ट वगैरह वो रख सकते हो। इसके अंदर एक और बैग आता है वो ये है छोटा सा, ठीक है। इसके अंदर तुम अपनी टॉयलेटरीज रख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अपना टूथब्रश, अपना डिओड्रेंट, अपना टूथपेस्ट, हेयर ब्रश वगैरह। और इसके भी अंदर एक और बैग आता है वो ये है, इसकी नहीं मेरे ख्याल ज़रूरत होगी लेकिन मैं ये भी ले आऊँगा। इसमें मैंने अपनी ज्वेलरी रखी हुई है तो वो मैं निकाल के ये भी ले आता हूँ। तो बताओ किधर आना है।